तुझे याद न मेरी आई। उफ, ये ब्रेकअप का दर्द कैसे सहेगी हमारी लाडली सुहाना। कैसे हुआ सुहाना और अगस्त्य का ब्रेकअप, आखिर क्या है वजह। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। जी, शाहरुख खान और गौरी खान की लाडली सुहाना खान का हो गया है ब्रेकअप। वैसे तो सुहाना अक्सर ही चर्चाओं में बनी रहती है, कभी अपने पापा के साथ फिल्म किंग में नजर आने को लेकर तो कभी अगस्त्य को लेकर। तो एक बार फिर से वो अपने ब्रेकअप को लेकर हो रही है वायरल। सुहाना ने सोशल मीडिया पर अपने इस दर्द का खुलासा किया है, उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। कमबख्त ये ब्रेकअप किसी को नहीं छोड़ता। दरअसल सुहाना ने एक वीडियो शेयर कर इस बात का खुलासा किया है और इस पर श्वेता बच्चन ने रिएक्ट भी किया है। ये कैसे और क्या किया रिएक्ट उन्होंने, ये तो सबको पता है कि सुहाना खान और अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के बीच कुछ तो चल रहा था। रिपोर्ट्स में इनके अफेयर की चर्चा है और दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट भी किया जाता है। दरअसल उन्होंने एक एड का वीडियो शेयर किया जिसमें वो फीचर हुई है। इसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे पास एक न्यूज है, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। क्या क्या क्या, इस बात पर शाहरुख के ही एक फिल्म का डायलॉग याद आया मुझे, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और एक बार ही प्यार करते हैं, तो अब सुहाना का क्या होगा। अरे कभी तो मजाक समझो मेरी। दरअसल सुहाना खान के कहने का मतलब ये था कि अपने साबुन से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। जी हाँ, क्योंकि ये एड एक शावर जेल का है जिसमें वो उसका प्रचार कर रही है। अब उनके इसी कैप्शन से चारों तरफ हल्ला मचा हुआ है कि उन्होंने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा से रिश्ता तोड़ लिया है। तभी तो इस पर श्वेता बच्चन एक गुलाबी रंग का पो और एक छोटा सा काला दिल कमेंट में ड्रॉप किया है और उसे सुहाना ने लाइक और कमेंट में पिंक हार्ट इमोजी भी पोस्ट किया है। कुल मिलाकर सुहाना ने एक सेकंड के लिए फैंस को 440 वॉट का झटका दे दिया था। लेकिन यहाँ वो अपने साबुन से रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है, ना कि अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य नंदा से। क्या आप भी कुछ भी समझ लेते हैं। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।